गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय ऑनलाइन होम क्लास। सो जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक चला था डेफिनेट इंटीग्रल्स, और उससे पहले आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल्स को पढ़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें जितनी प्रैक्टिस हो सके आप कर लें, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलेज को अच्छे तरीके रिमेंबर कीजिए, और हर क्वेश्चन को, हर टाइप को हमने जो किया है, बार बार किया है, प्रैक्टिस किया है, उसको आप दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो, तो चलिए उसका अच्छा रिवीजन कीजिए। तो चलिए, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ डिफरेंशियल इक्वेशंस। आप डिफरेंशियल इक्वेशंस, बिफोर नोइंग व्हाट अबाउट डिफरेंशियल इक्वेशंस, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ जो हमारी जनरल इक्वेशंस होती हैं, जैसे आपने पढ़ाया प्रीवियस क्लासेस में, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी लीनियर इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके टू रूट्स होते हैं। तो जनरल इक्वेशंस में या तो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, या हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं डिग्री टू वाली। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा है और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है। अब डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन जो है, उसी प्रोसेस, जिस तरीके से हम किसी फंक्शन का, जिस प्रोसेस से हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ढूंढते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। सो ये कह रहा है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल इक्वेशन। कह रहा है कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी हो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि जनरल इक्वेशन में डेरिवेटिव नहीं होता। तो वो इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव भी हो, तो इस तरह की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, x प्लस डी बाई डी एक्स, अब ये x है और साथ में y का डी बाई डी एक्स है, तो x के साथ डेरिवेटिव दिया है किसका, y का। तो जब x के साथ डेरिवेटिव दिया है तो इस इज इक्वल टू जीरो, तो ये जो इक्वेशन बन गई, अब ये जनरल नहीं रहेगी, अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह डी टू, ये डी वाई बाई डी एक्स होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन थ्री एक्स। अब इस पूरी इक्वेशन के अंदर ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हो, इसके अंदर भी डेरिवेटिव था और इसके अंदर भी डेरिवेटिव है, तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो ये भी एक तीसरी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो ऑल ऑफ दीज आर, क्योंकि सबके अंदर इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और इसमें भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। सो तीनों इक्वेशन में डेरिवेटिव्स हैं, तो जिन इक्वेशन में डेरिवेटिव पाया जाता है, इस तरह के इक्वेशन को हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑल ऑफ दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। अब डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद हमें मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। चलिए, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन ए, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ये कह रहा है द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक इक्वेशन में मान लीजिए दो डेरिवेटिव्स हैं, तो सबसे बड़ा डेरिवेटिव होगा, देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर वाला है, ये सेकंड ऑर्डर वाला है, ये भी फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर का है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का है। तो द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो सबसे बड़े ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है, उसका जो ऑर्डर है वही ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड ऑर्डर का, तो इसलिए इसका ऑर्डर टू है, इसमें हाईएस्ट ऑर्डर, क्योंकि एक इक्वेशन में लोअर ऑर्डर का भी डेरिवेटिव हो सकता है और हाईएस्ट का भी हो सकता है। तो सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, कि डी टू वाई वाला इस इक्वेशन में बड़े ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर वाला है, तो इसका ऑर्डर सेकंड ऑर्डर मीन्स ऑर्डर टू है। सो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस फोर टाइम डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो इज, अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर है, और हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है इसमें, डी टू वाई बाई डी एक्स का सेकंड ऑर्डर। तो जो हाईएस्ट ऑर्डर का ऑर्डर होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा। तो ये छोटे ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है और ये इससे बड़ा है, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला है, ये सेकंड ऑर्डर वाला है, तो सेकंड ऑर्डर वाले का ऑर्डर क्या है, टू, तो इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, टू। अब तो जो
सबसे बड़ा ऑर्डर होता है वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है। तो सबसे ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है इसमें, ये फर्स्ट ऑर्डर वाला है और ये सेकंड ऑर्डर वाला, तो बड़े ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है वो 2 है। चलिए, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो सबसे बड़ा हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होता है उसका जो पावर होगा वही डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। फॉर एग्जांपल, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर का होल स्क्वायर प्लस डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। अब इसमें सबसे बड़े ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही, अब देखिए यहाँ पर इसका पावर 3 है लेकिन ये डिग्री नहीं मानी जाएगी, जो सबसे बड़े ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होगा उसका पावर देखा जाता है। तो इसमें बड़ा पावर वाला कौन सा है, ये सेकंड ऑर्डर वाला है, ये फोर्थ ऑर्डर वाला है, तो फोर्थ ऑर्डर वाला बड़ा है, इसका जो पावर होगा, तो इसमें सबसे बड़ा ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है, ये सेकंड ऑर्डर वाला है, और इससे बड़ा कौन सा है, फोर्थ ऑर्डर वाला, जो सबसे बड़े ऑर्डर वाला डेरिवेटिव होगा उसी का जो पावर होगा। तो सबसे बड़े ऑर्डर वाला कौन सा है इन दोनों में, डी फोर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो बड़े ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का जो पावर होगा वो क्या है, 2, वही डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल है, तो इसकी डिग्री क्या होगी, 2। तो यहाँ पर डिग्री 3 भी थी, पावर 3 भी था, लेकिन ये पावर नहीं माना जाएगा बड़े ऑर्डर, क्योंकि छोटे ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है। हमने बड़े ऑर्डर वाला कौन सा, डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर, जो बड़े ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है उसी का जो पावर होगा उसका पावर क्या है, 2, तो इसलिए डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 2। चलिए, टेक्स्ट बुक की एक एक्सरसाइज लेते हैं और उसमें हम सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस के ऑर्डर और डिग्रीज को ढूंढेंगे। डिटरमाइन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो पहली डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो याद रखिए डी वाई बाई डी एक्स होता है वाई डैश फर्स्ट ऑर्डर, एक डैश का मतलब होता है फर्स्ट ऑर्डर, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है वाई का डबल डैश हो गया सेकंड ऑर्डर, और डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब होता है वाई का 3 डैश, तो 3 डैश वाला होता है थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में डी वाई बाई डी एक्स, सेकंड ऑर्डर में 2 डैश तो डी टू वाई डी एक्स, और थर्ड ऑर्डर में 3 डैश डी थ्री वाई डी एक्स क्यूब। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ध्यान रखिए इसका। तो हमारी इक्वेशन है डी फोर वाई बाई डी एक्स फोर का पावर 1 प्लस साइन ऑफ वाई का पावर 3 डैश इज इक्वल टू 0। तो इसमें ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये थर्ड ऑर्डर है और ये फोर्थ ऑर्डर है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या आया, 4। सो हेयर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, 4, और साइन के अंदर डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के साथ डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलीनोमियल नहीं होगा, इट इज़ नॉट ए पॉलीनोमियल। अब इसमें हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव कौन सा है, ये 3 ऑर्डर वाला है और ये 4 वाला, डी फोर बाई डी एक्स फोर, तो ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर तो 4 है लेकिन डिग्री के लिए ये सारा ठीक होना चाहिए, पॉलीनोमियल होना चाहिए, लेकिन क्योंकि साइन के साथ डेरिवेटिव है इसलिए इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, क्या आएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। तो इसकी डिग्री, क्योंकि साइन के अंदर डेरिवेटिव आने से ये गड़बड़ हो गई, इसलिए इसकी डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, ऑर्डर पता हमें, हाईएस्ट ऑर्डर वाला कौन सा है डेरिवेटिव, और डी फोर बाई डी एक्स फोर, इसलिए इसका ऑर्डर 4 होगा। चलिए, दूसरा क्या है, वाई डैश का पावर 1 प्लस 5y इजकल टू 0। अब इसमें फर्स्ट कौन से ऑर्डर वाला, वाई डैश होता है फर्स्ट ऑर्डर, वाई डैश क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर, वाई डैश होता है फर्स्ट ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या है इसका 1, और हाईएस्ट ऑर्डर वाले का जो पावर हो, इसका पावर क्या है 1, तो ऑर्डर वाई डैश का मतलब होता है ऑर्डर 1 है, और वाई डैश का भी पावर 1 है तो डिग्री भी इसकी 1 है। इसी तरह डी फोर एस बाई डी एक्स फोर प्लस 3 डी टू एस बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू 0। अब इसमें हाईएस्ट पावर ऑर्डर कौन सा है वाला डेरिवेटिव कौन सा है, डी फोर एस बाई डी एक्स फोर, तो इसका मतलब इसका ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है डेरिवेटिव का, 4 वाला, तो ऑर्डर 4 है, और उसी हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा, हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है डी फोर एस बाई डी एक्स फोर, तो ऑर्डर इसका डी फोर वाला हाईएस्ट ऑर्डर वाला डेरिवेटिव है, और उसी का जो
हाईएस्ट ऑर्डर वाले डेरिवेटिव का जो पावर होगा वही डिग्री है, तो पावर क्या इसका 1, तो डिग्री भी 1 है। तो इसी तरह थर्ड ऑर्डर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड ऑर्डर का होल क्यूब प्लस फर्स्ट ऑर्डर का होल 4। तो ऑर्डर कौन सा है, सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सब ऑर्डर कौन सा, वाई ट्रिपल डैश का मतलब होता है थर्ड ऑर्डर, तो ऑर्डर इसका 3 है, ऑर्डर इसका 3 है। और डिग्री किसकी देखी जाती है, छोटे ऑर्डर वाले की नहीं, सबसे बड़े ऑर्डर वाले की, सबसे बड़ा ऑर्डर कौन सा है 3, उसी का जो पावर होगा वही डिग्री है। तो सबसे बड़ा ऑर्डर वाई का पावर ऑर्डर 3 है, तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर हो गया 3, और हाईएस्ट ऑर्डर वाले की पावर क्या है 2, तो डिग्री भी सारी डिफरेंशियल इक्वेशन की 2, तो डिग्री इज इक्वल टू 2। तो इसी तरह हम नेक्स्ट टाइम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ये डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होती है, बाकी के जो पार्ट्स हैं उनमें प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।